बिल्कुल, और ये भी एक अहम मंत्रालय संभालने के लिए पहुंच गए हैं, सहयोगी हैं ललन सिंह, एनिमल हस्बेंड्री इनको विभाग दिया गया है। और ये जो विभाग था पहले गिरिराज सिंह के पास था, जो बिहार से आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन इस बार उनको कपड़ा मंत्रालय दिया है। और ललन सिंह की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने मंत्रालय पहुँचे हैं अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिए। अलग अलग मंत्री अपने मंत्रालय में पहुँच रहे हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, 100 दिन का प्लान भी बनाया गया है, 100 दिन का रोड मैप भी तैयार है और उसी दिशा में काम करना है। एक नई टीम है, बड़ी टीम है और इस बड़ी टीम के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। ललन सिंह अपने कामकाज को संभाल रहे हैं, वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ललन सिंह ने भी अपने कामकाज को संभाल लिया है और ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार से 2 नाम सामने हो सकते हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है, उसमें ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, ये 2 नाम लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। लेकिन अब उसी में से देखिए ललन सिंह के नाम पर मोहर लग गई और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीते दिन शाम को 5 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग में यानी कि पीएम आवास में इन सांसदों की मंत्रियों की बैठक होती है और उसके बाद इनके जो मंत्रालय हैं वो उनको अलॉट कर दिए जाते हैं। और उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, आज पूरी तरह से एक्शन मोड में, किसी तरह से कोई लेट लतीफी नहीं, सुबह ही अपने दफ्तर पर पहुंच गए, फाइलों को साइन करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। आपको एक बार फिर से बता दें, नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी जिसमें 30 कैबिनेट में थे, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार संभालते हुए ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एक बड़ा पूरी बड़ी टीम है, ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मंत्रियों की तस्वीर देखिए, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से वही रिटेन किया है इन्होंने, पोर्टफोलियो जो पहले संभाल रहे थे। और सीधे तौर पर संदेश, जो पुराने काम काज अधूरे रह गए थे या पेंडिंग रह गए थे, अब उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। सेम यही तस्वीर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के साथ भी दिख रही है, भूपेंद्र यादव, गिरिराज सिंह, सुरेश गोपी, हम देखिए मंत्रियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधा ये तस्वीरें इनके दफ्तर से आ रही है, कल मंत्री पद इन्हें अलॉट किया जाता है और आज दफ्तर में पहुंचकर फाइलों को साइन करने का सिलसिला शुरू। लेट नहीं करना है, पूरी तरह से जो विकास को रफ्तार देनी है, नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको पूरा करना है, उसी दिशा में काम करते हुए देखिए बाकी मंत्री भी हिमानी इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उन मंत्रियों की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जो अपना अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और बाकायदा प्रधानमंत्री से भी यही मंत्र मिला था। साथ ही ये मंत्र भी दिया गया था कि अनावश्यक कोई बयानबाजी भी मीडिया में नहीं होनी चाहिए, अपने काम पर आप ध्यान दीजिए, पूरी तल्लीनता के साथ आप अपने काम पर फोकस करिए, जनता के लिए वो भरोसा जो है उसको बनाए रखना है, आगे बढ़ना है, जिम्मेदारी बड़ी है। इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार है, मोदी 3.0 में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। 9 जून को शपथ ग्रहण, 10 जून को मंत्रियों के साथ बैठक और अब आज पदभार संभालते मंत्री। ये तस्वीरें बताती है कि जनादेश मिलने के बाद मोदी सरकार पूरे जोश और जुनून के साथ विकसित भारत के सपने को पूरा करने में जुटी हुई है। सबसे पहले एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का पदभार संभाला, जिसके बाद एस जयशंकर ने कहा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है, जहां तक पाकिस्तान और चीन का सवाल है, पाक और चीन से अलग अलग संबंध है, दोनों देशों के साथ समस्याएं भी अलग है। चीन के मामले में हमारा ध्यान सीमा मुद्दों के समाधान पर रहेगा और पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का समाधान खोजना चाहेंगे। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट सो दैट कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ अ गुड नेबर। वहीं फिर से रेल मंत्रालय की कमान मिलने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नए कार्यालय का कामकाज संभाला। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे से पीएम मोदी का खास लगाव है, पीएम मोदी ने रेलवे में रिफॉर्म किया, नई ट्रेनें चलाई गई, नए स्टेशन बन रहे हैं, 10 सालों में रेलवे में ऐतिहासिक काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है।
वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस मंत्रालय ने कई अहम कदम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए हैं। हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मां के नाम एक पेड़ पहल को आगे बढ़ाएंगे। देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। विजन और मिशन है उसको पूरा करेंगे। अभी जो उन्होंने एक बड़ा विषय करा है एक पेड़ मां के नाम, इसको लेकर भी मंत्रालय सारे विषयों का एक रोड मैप बना है और उस रोड मैप के आधार पर हम लोग काम करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री के रूप में पदभार संभाला और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया। कुल मिलाकर टीम मोदी अपने अपने मोर्चे पर जुट गई है। जिम्मेदारी मिलने के बाद सभी मंत्री अपने अपने विभागों में पदभार संभाल रहे हैं, जिससे जल्द ही विभागीय कामों को रफ्तार दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह को एक बार फिर से वही गृह मंत्रालय मिल गया है। लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे अपना पदभार संभालते हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वही मंत्रालय का चार्ज दोबारा से मिला है और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। और आपको बता दें इस बार नए इरादे, जिम्मेदारी भारी है, एक्शन मोड में है मोदी सरकार के टॉप मंत्री। और जो प्लान है 100 से 125 दिनों का वो तैयार हो चुका है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मोदी 3.0 सरकार के मंत्रियों का गठन हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह आगे बढ़ते हुए अपने दफ्तर में। और यही कयास लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी के पास CCS का जो मंत्रालय है वो रहेगा बीजेपी के पास, यानी कि सेंट्रल कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। देश की सुरक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए अहम मानी जाती है ये कैबिनेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण और नितिन गडकरी। आप तस्वीरें अमित शाह की देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हुए वही फॉर्म, वही तेवर, वही अंदाज इन तस्वीरों में दिख रहा है। इस बार हो सकता है कुछ और नए और बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए।